राजकुमारी। हम अपनी पुत्री को सीता बनाएंगे। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। क्या कहना था सिद्धार्थ शुक्ला का आदि पुरुष में काम करने के बारे में? क्या बयान दिया सैफ अली खान ने ओटीटी रिलीज पर? और सनी सिंह क्या तैयारी कर रहे हैं आदि पुरुष के लिए? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म आदि पुरुष की। सुपरस्टार प्रभास इस समय काफी बड़े स्टार हैं और दमदार प्रोजेक्ट को लेकर लगातार चर्चा में चल रहे हैं। इस समय वो अपनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर बिजी हैं और दोस्तों इस फिल्म के लिए लगातार शूट कर रही हैं। आदि पुरुष एक शानदार फिल्म होगी और इसमें सीता के किरदार में कृति सानन नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उस फिल्म में सैफ अली खान नजर आएंगे जो कि रावण के किरदार में होंगे। अब इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर एक खबर आ रही है जो कि आपको खुश कर देगी। कुछ समय से ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि आदि पुरुष ओटीटी पर रिलीज हो सकती है, लेकिन दोस्तों अब पता चला है कि फिल्म चाहे अनिश्चित काल के लिए टल जाए लेकिन इसकी रिलीज सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में होगी। सैफ अली खान ने इसको लेकर खुलासा किया है और दोस्तों उनका कहना है कि गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बाद आदि पुरुष हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म होगी जो कि 400 करोड़ से अधिक बजट में बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि बाहुबली के बाद भगवान राम की भूमिका में प्रभास की लोकप्रियता का कद आदि पुरुष से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस मैथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म में वो सीता की भूमिका में होंगी। और दोस्तों बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड की हिट फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में अपनी अदाकारी से कैमरा के सामने खुद को साबित किया था और इस साल मई में अभिनेता कोम राउत की आदि पुरुष में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन अप करने की अफवाह थी। सिद्धार्थ शुक्ला के प्रशंसक ये जानकर रोमांचित थे कि अभिनेता को बॉलीवुड की भव्य फिल्म में देखा जाएगा। हालांकि दोस्तों अफवाहों के बारे में हवा को साफ करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने फिल्म फेयर से कहा था कि ईमानदारी से ये अभी तक मेरे पास नहीं आया है, इसलिए मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। मेरे लिए मैं वास्तव में नहीं जानता क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं आया है। सिद्धार्थ शुक्ला का दोस्तों 2 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने के साथ निधन हो गया है। दोस्तों बता दूं कि अब अभिनेता सनी सिंह को आदि पुरुष में लक्ष्मण के रूप में लिया गया है और उनका कहना है कि वो पहली बार किसी पौराणिक किरदार को निभाने के लिए उत्साहित है। बड़े पर्दे पर लक्ष्मण का किरदार निभाना मेरे लिए एक बहुत ही अलग अनुभव होने जा रहा है क्योंकि अतीत में मैंने माइथोलॉजिकल की फिल्म जॉनर में कोई भूमिका नहीं की है। मेरी पिछली फिल्में कमर्शियल फिल्में रही हैं लेकिन ये मेरी अन्य सभी फिल्मों से अलग है। अब चाहे इस फिल्म का जॉनर जो भी हो, हम दोस्तों इस फिल्म के लिए काफी उत्साहित हैं। हमें कमेंट्स में बताइएगा आप कितने उत्साहित हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव।